श्री रामचरितमानस जी का तीसरा कांड है अरण्यकांड। अरण्यकांड के प्रारंभ में ही एक घटना घटी। क्या घटना घटी? एक दिन प्रभु श्री राम पुष्प उतार कर और उन पुष्पों से आभूषण बना के प्रभु मां का श्रृंगार किए। यहां के लिए गजरा बनाई, जूड़ा लगाने के लिए, कान के लिए कर्णफूल बनाया, मांग टीका बनाई, गले के लिए हार बनाई, कंगन बाजूबंद बनाया, कमर के लिए करधनी बनाई, पांव के लिए पायल बनाया और बनाकर फूलों का सीत ही पहिराए प्रभु साथ। आदर पूर्वक प्रभु मेरी मां का श्रृंगार की। भगवान की इस लीला को पूरा देव समाज ऊपर से देख रहा था, देवलोक से। उस समाज में देवताओं के राजा इंद्र का बेटा है जयंत। जयंत ने देखा और मन में सोचा, कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते, ना ना ये भगवान नहीं है, मैं पता करूंगा इनके भुजाओं में कितना बल है। सोचा और जयंत कौवा बन के नीचे चला आया। क्या बन के आया? कौवा। मूर्ख आया है भगवान के भुजा का बल लेने। अब दर्शन करिए, राम जी मां का श्रृंगार किए, इस स्फटिक शिला पर बैठे हैं, राम जी मां को देख रहे हैं, मां सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत कौवा बन के आया है, माया का रूप धारण करके, सोचता है मुझे कोई पहचानेगा नहीं। सीता जी साक्षात माया है, माया के आगे किसी की माया चलती नहीं है। जयंत सोचता है मुझे कोई पहचानेगा नहीं। सीता मैया देखी, मन में सोची, ये तो इंद्र का बिटवा है हो जयंत, कौवा बन के घूम रहा है। अभी माँ सोच ही रही थी तब तक मूर्ख आया और आकर सीता चरण सोच हते भाग, आकर उसने मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया, मारकर भगा। जहां चोट लगी वहां से रक्त की धारा निकली है। लेकिन दर्शन करिए, सीता मैया ने राम जी को बोला नहीं, प्रभु जयंत ने मुझे मार दिया। जानते हैं क्यों? सीता जी जगदम्बा हैं। मां ने सोचा कुछ भी है तो मेरी ही संतान ना, मोह में आकर इसने मार दिया है, प्रभु से बोलूंगी, प्रभु इसका प्राण ले लेंगे, अपना बच्चा है, चलो क्षमा कर दो। मां ने क्षमा कर दिया। ये प्रसंग कहता है, चोट खाने के बाद भी यदि कोई संसार में क्षमा कर सकता है तो वो केवल मां कर सकती है, मां के अलावा कोई नहीं कर सकता। मां नहीं बोली, परंतु चोट से रक्त की धारा निकली, चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान के पांव को रक्त की धारा ने स्पर्श किया। राम जी सब जान गए, किसने मारा, कब मारा, क्यों मारा। कुशा की चटाई पे राम जी बैठे थे, दो कुशा निकाले। कुशा देखे हैं आप लोग? कुशा देखे? कुशा, कुशा का अगला भाग बहुत नुकीला होता है। दो कुशा निकाले, एक कुशा को झुका के धनुष बनाया और दूसरे कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके भगवान ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। जैसे जयंत देखा ब्रह्मास्त्र को आते, चला भाजिबा यस भय पावै, भयभीत होकर दौड़ा अपने पिता के पास। इंद्र के पास गया, कहा पिताश्री रक्षा करिए। इंद्र ने पूछा क्यों? मैंने सीता जी के पांव में कौवा बन के चोंच से मार दिया। इंद्र ने दरवाजा बंद किया, जाकर जाओ मरो, भगो यहां से, भागो, भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास गया रोते रोते। ब्रह्मा जी बोले, राम जी तो एक ब्रह्मास्त्र चलाए हैं, दूसरा मैं चलाऊंगा। शंकर भगवान के पास गया, बाबा त्रिशूल लेके खड़े हैं, कहते आओ आओ बताता हूं, आओ आओ इधर आओ। क्या गोस्वामी जी कहते हैं, तीन लोक चौदहों भुवन जयंत भागता रहा, परंतु किसी ने भी जयंत को बैठने के लिए नहीं कहा। अरे काहू बैठन कहा न होही, राखी को सके राम कर। तीन लोक चौदहों भवन जयंत भागा, कोई बैठने को नहीं कहा, भाग रहा है।
और यहां दर्शन करिए, जब किसी की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी तो एक संत की दृष्टि उसके ऊपर पड़ गई। कौन से संत? नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल संता, लागी दया को मन चित संता। पठवा तुरत राम पहिताहि, पठवा तुरत राम पहिताहि, कहसी पुकारि प्रणत हित पाहि, कहसी पुकारि प्रणत हित पाहि, कहसी पुकारि। नारद जी की दृष्टि पड़ गई जयंत पर, बोले इधर आओ इधर आओ, कहां भाग रहे हो? बोला रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा, ब्रह्मास्त्र दौड़ा रहा है। बोले अरे रुको तो दो मिनट, कहां भाग रहे हो? ब्रह्मास्त्र क्यों पीछे पड़ा है तुम्हारे? बोला क्या बताऊं नारद जी, मैंने ऐसा ऐसा अपराध कर दिया, कौआ बन के सीता जी के पांव में चोच से मार दिया, और पता है पिता के पास गया, पिता ने ठोकर मारा आज मुझे, ब्रह्मा जी नहीं रखे, शंकर जी नहीं रखे, आज पता चला विपत्ति में अपना कोई नहीं होता है। नारद जी बोले जयंत, दुनिया वाले मारते हैं तो रघुनाथ जी बचा लेते हैं, तुझे तो स्वयं रघुनाथ जी ने मार दिया है, तुझे कौन बचाने वाला मिलेगा है? और एक बात कहता है तू कि ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने आया है, ये तुमको मारने के लिए नहीं आया है। जयंत बोला पीछे हमारे पड़ा है कि आपके पड़ा है, हमको दौड़ा रहा है ना? नारद जी बोले पुत्र मारना होता तो कब का मार दिया होता, तुम पिता के द्वार पर जाकर खड़े भय थे वही मार देता, ब्रह्म धाम जाके रुके थे ना दो मिनट वही मार देता, जब जब तुम खड़े होते हो तुम्हारे पीछे ब्रह्मास्त्र भी खड़ा हो जाता है, पीछे देखो ये तो खड़ा हो गया है, मारना नहीं है तो दौड़ा क्यों रहा है तब से? नारद जी बोले वो तुमसे कुछ कहना चाहता है, तुम ही हो कि भागे जा रहे हो सुन नहीं रहे हो, वो कहना चाहता है जयंत धरती के किसी भी कोने में जाओगे मुझसे बच नहीं पाओगे, यदि बचना चाहते हो तो जिन रघुनाथ जी ने मुझको तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं राम जी की शरण में लौट के चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, वो तुमको बुलाकर वापस ले जाने आया है। पठवा तुरत राम पही, तुरंत श्री रघुनाथ जी के पास नारद जी ने जयंत को भेजा, जयंत गया जाकर चरणों में प्रणिपात हो गया, त्राहि त्राहि दयाल रघुराय, हे प्रभु त्राहि माम, भगवान बोले फिर आ गया, क्यों मारा सीता के पांव में तूने? बोला प्रभु आपका प्रभाव देखना चाहता था मैं, भगवान बोले दिखाई पड़ा? बोला जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा दिखाई पड़ गया, भगवान बोले जो देखने आया था वो दिखाई पड़ गया, अब क्यों चला आया है तू? बोला प्रभु पहली बार प्रभाव देखने आया था, अब की बार आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूँ, आप मुझे स्वीकार करते हैं कि छोड़ देते हैं ये जानने आया हूँ। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखो
अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि। किए पाप है इस सुयश के सहारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, ये माना अधम है अपावन कुटिल है, ये माना अधम है अपावन कुटिल है, ये माना अधम है अपावन कुटिल है, ये माना अधम है अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन है भगवान तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी हो। गणिका अजामिल को पल भर मिटारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे।
ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भौंसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखो, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ